लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देश प्रेम, अखंड भारत, ये मेरी पीड़ा थी, मेरी प्रार्थना थी, मेरी परिकल्पना थी, मेरी पहचान थी। देश प्रेम के सिवा मेरे अंदर कुछ नहीं था। जब मेरे देश प्रेम को चोट लगी तो मैंने गांधी जी को भारतीय राजनीति से सदा सदा के लिए हटाने का फैसला ले लिया। मैं जानता था जो कुछ भी मैं करने वाला हूं उससे मेरा वो मान सम्मान सब कुछ नष्ट हो जाएगा जो मैंने अपने देश प्रेम से पाया था। लोग मेरे कार्यों को भूलकर मुझे सिर्फ राष्ट्रपिता का हत्यारा कहेंगे। लेकिन मैंने अपने फायदे नुकसान को ताक पर रख दिया और देश प्रेम तथा अखंड भारत का जय घोष करते हुए अपने अंतकरण के साथ चलकर 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी जी को गोली मार दी। मुझे अपने इस कृत्य पर कोई पश्चाताप नहीं है। यह कदम मैंने देश के लिए उठाया था, इसलिए मैं कोई नैतिक प्रायश्चित भी नहीं करूंगा। महात्मा पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सामने नतमस्तक भी हुआ था और ऐसा मैंने उनके उन कार्यों के लिए किया था जो मुझे देश हित में लगा था। इस अभियोग में मेरे साथ मेरे कई मित्रों को भी षड्यंत्रकारी के रूप में शामिल किया गया है। इस बात को मैं साफ कर देना चाहता हूं कि गांधी जी की हत्या का सिर्फ और सिर्फ मैं ही उत्तरदायी हूं। मेरे इस कृत्य का किसी और को श्रेय देना, भागीदार बनाना, मेरी सोच, मेरा फैसला या मेरे उठाए गए कदम का अपमान होगा। मुझे कोई तमगा, कोई सराहना नहीं चाहिए। इतिहास के पन्नों पर भी मुझे कोई स्थान नहीं चाहिए। मेरी इच्छा देश में अपना पुतला लगवाने की नहीं है, देश के लिए अपना शरीर मिटा देने की है। मैंने गांधी जी की हत्या की। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। श्रीमान गोड़से जी को एक अच्छे वकील की जरूरत भले ना हो, लेकिन इन्हें एक अच्छे मनोवैज्ञानिक सलाहकार की आवश्यकता जरूर है, वरना कौन वो आदमी होगा जो सारे इल्जाम खुद पे लेके अपने मित्रों को निर्दोष साबित करना चाहेगा। मिलॉर्ड, इसमें भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इनके मित्र आजाद होने के बाद कोई बड़ा कांड कर सकते हैं। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। वकील महोदय का कथन निराधार है। घटना के बाद ना मैं भागा
और ना ही मैंने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया, बल्कि कानून के सामने समर्पण कर दिया, क्योंकि मैं इस तरह खुली अदालत में अपने विचार प्रकट करना चाहता था। आपने मुझे सुना, मैं आपका कृतज्ञ हूं। इस अभियोग में जिन्होंने मेरी सहायता की, अभियोग से संबंधित पुलिस, जेल के अफसर, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। देशभक्ति अगर पाप है तो मैं पापी हूं, देशभक्ति अगर प्रशंसनीय है तो मैं प्रशंसा का अधिकारी हूं। मेरे इस बयान को आप जिस तरह देखना चाहे देखें, जो दंड देना चाहे दे, मैं किसी भी प्रकार की कोई भी दया नहीं चाहता और ना ही चाहूंगा कि मेरा परिवार मेरे लिए सरकार या किसी भी अदालत में दया याचिका लगाए। अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऑर्डर ऑर्डर। महात्मा गांधी की हत्या को लेकर की गई छानबीन, पूछताछ, सबूत, गवाहों के बयान, हत्या में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर और उस पर पाए गए उंगलियों के निशान और सभी विशेषज्ञों की रिपोर्ट जो अदालत में पेश की गई, उन्हें मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि विनायक दामोदर सावरकर की इस केस में कोई भी सहभागिता नहीं है, लिहाजा अदालत उन्हें बरी करती है। लेकिन दस्तावेज, सबूत और गवाहों के स्टेटमेंट के आधार पर यह साबित होता है कि विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा, शंकर कृष्णैया, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचुरे का इस षड्यंत्र में सीधे तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे उनकी सहभागिता रही है, लिहाजा अदालत उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120 बी और 114 का अपराधी मानते हुए उम्र कैद की सजा देती है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम विनायक गोडसे और हरिनारायण आप्टे द्वारा चलाई गई रिवॉल्वर की गोली से हुई है। अदालत नाथूराम विनायक गोडसे और हरिनारायण आप्टे को महात्मा गांधी का हत्यारा मानते हुए दफा 302, 120 बी और 114 ऑफ आईपीसी के तहत उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाती है। Thank you.
हैंग्ड टिल डेथ। अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हिंदू राष्ट्र 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 कल सुबह आप दोनों को फांसी दे दी जाएगी। कोई आखिरी इच्छा जिसके लिए आप लोग निवेदन करना चाहते हो? मेरी इच्छा, मेरा स्वप्न, मेरा सब कुछ अखंड भारत है। और मेरी इच्छा सिर्फ मैं ही पूरी कर सकता हूं। हम फिर जन्म लेंगे और हमारी इच्छा पूरी करेंगे। फिर भी यदि कोई आखिरी इच्छा हो जिसकी पूर्ति के लिए सरकार या जेल प्रशासन से कोई अनुरोध करना चाहते हो? ऐसा है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी अस्थियों को सिंधु नदी में बहाया जाए। लेकिन सिंधु नदी तो अब पाकिस्तान के हिस्से में है। इसीलिए कहा, जब सिंधु नदी अखंड भारत के झंडे के नीचे से बहे, तभी मेरी अस्थियां उसमें विसर्जित कर देना।
प्रिय बंधु, चिरंजीव दत्तात्रेय विनायक गोडसे, मेरे बीमा के रुपया अगर आ जाएंगे तो उस रुपया का विनिभोग आपके परिवार के कार्य के लिए करना। रुपए 2000 आपकी पत्नी के नाम पर, रुपए 3000 चिरंजीव गोपाल की धर्मपत्नी के नाम पर, और रुपए 2000 आपके नाम पर। इस तरह से बीमा के कागजों पर मैंने रुपया मेरी मृत्यु के बाद मिलने के लिए लिखा है। मेरी उत्तर क्रिया करने का अधिकार आपको मिलेगा, तो आप आपकी इच्छा से किसी तरह से भी उस कार्य को समाप्त कर देना। लेकिन मेरी एक ही विशेष इच्छा यही लिखता हूं, सिंधु नदी जिस शुभ दिन भारतवर्ष के ध्वज की छाया में स्वच्छंदता से बहती रहेगी, उस दिनों में मेरी अस्थि या रक्षा का कुछ छोटा सा हिस्सा उस सिंधु नदी में बहाया दिया जाए। अगर मेरा न्यायालयीन वक्तव्य कभी सरकार बंधमुक्त करेगी तो उसके प्रकाशन का अधिकार भी मैं आपको दे रहा हूं। मैंने 101 रुपया आपको आज दिए हैं, जो आप सौराष्ट्र सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है उसके कलश कार्य के लिए भेज देना। आपका शुभेच्छु, नथुराम विनायक गोडसे। November 14, 1949। मेरा विश्वास अडिग है कि मेरा कार्य नीति की दृष्टि से पूर्णतया उचित है। मुझे इस बात में लेश मात्र भी संदेह नहीं कि भविष्य में किसी समय सच्चे इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो वे मेरे इस कार्य को उचित ठहराएंगे। चलिए